सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो आज हम बात करेंगे दो एडिटोरियल्स की। यहाँ पर पहला एडिटोरियल आपके सामने है मिसिंग डिमांड, जिसका टाइटल है, जो भी वर्ड्स हाईलाइटेड हैं उन सब वर्ड्स को आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से। इन जो दो एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे इन सभी इन दोनों का स्क्रीनशॉट आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, और साथ ही पीडीएफ भी सेंड किया जा चुका है टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए या फिर सीधे आप इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर सर्च कीजिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। और साथ ही आशीष क्लासेज ऐप का जो लिंक दिया है उसके माध्यम से आप आशीष क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे आप गूगल प्ले स्टोर से आशीष क्लासेज लिखकर भी उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप पर जो पेपर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के जो कोर्सेज हैं एसएससी बैंक या फिर कॉम्बो जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेहतरीन मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं तो कहूँगा कि मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो पेपर आपको सॉल्व करने होंगे। हर एक बात का वहाँ पर जवाब आपको मिलेगा, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए गए हैं पेपर्स, तो आप प्राप्त कर लें वो पेपर्स भी, और वहाँ से भी एडिटोरियल्स एक्सेस किए जा सकते हैं। साथ ही वहाँ पे बहुत सारे क्विजेज भी हैं, वो भी आप प्ले कर सकते हैं, वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं क्विजेज, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट फीचर्स आपको मिलेंगे वहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं मिसिंग डिमांड। यदि आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। जो एडिटोरियल्स बच्चा पढ़ना नहीं जानता है, जिस एडिटोरियल की तलाश बच्चों को है वो तलाश यहाँ पर आपकी ख़त्म होगी। मिसिंग डिमांड, देखिए नाम से स्पष्ट है कि डिमांड मिसिंग है, डिमांड गायब है। स्लो डाउन हैज़ वाइडेंड अक्रॉस सेक्टर्स। स्लो डाउन का मतलब मंदी है, हैज़ वाइडेंड का मतलब यहाँ पर गहरा गई है, तो मंदी गहरी हो गई है, मंदी मतलब बढ़ गई है अक्रॉस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स में। द न्यू गवर्नमेंट मस्ट हिट द ग्राउंड रनिंग। अब ये हिट द ग्राउंड रनिंग जो है वो एक आपको फ्रेज दी हुई है, इसका मतलब है कि कोई चीज़ को स्टार्ट करना, किसी चीज़ में मेहनत करना या फिर अत्यधिक उत्साह से आगे बढ़ना, ये सब मीनिंग होते हैं हिट द ग्राउंड रनिंग का। तो स्लो डाउन हैज़ वाइडेंड अक्रॉस सेक्टर्स, तो मंदी हर तरफ फैल गई है। द न्यू गवर्नमेंट मस्ट हिट द ग्राउंड रनिंग, जो नई सरकार है उसको अत्यधिक मेहनत करनी चाहिए, अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा, या फिर कहें कि कोई भी चीज़ को स्टार्ट करना पड़ेगा बहुत ही एंथुजियाज्म से। ए वेल्टर ऑफ डेटा, वेल्टर का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में होना, लेकिन क्रम इसमें नहीं होता, सीक्वेंस उसमें नहीं होता, तो उसे कहते हैं वेल्टर। तो ए वेल्टर ऑफ डेटा कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली पॉइंट टू वन वरिंग कंक्लूजन। वरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, कंक्लूजन नाउन है, इसकी विशेषता बताने के लिए यूज किया गया है। अब वेल्टर ऑफ डेटा बहुत बड़ी संख्या में जो आंकड़े हैं कलेक्टिवली, चाहे वो सामूहिक रूप से हैं और इंडिविजुअली या निजी तौर पर हैं, पॉइंट टू वन, पॉइंट के साथ टू लगता है, इसका मतलब इशारा करना होता है, ये संकेत कर रहा है, ये इशारा कर रहा है वन वरिंग कंक्लूजन, एक चिंताजनक निष्कर्ष की ओर। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष है। इकोनॉमिक मोमेंटम अक्रॉस सेक्टर्स इज स्लोइंग इन द वाइडनिंग एब्सेंस ऑफ दैट की इनग्रेडियंट डिमांड। अब कहना चाह रहा है इकोनॉमिक मोमेंटम, जो आर्थिक गति है, इकोनॉमिक मोमेंटम है अक्रॉस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स में, इज स्लोइंग, वो मतलब धीमा पड़ रहा है, इन द वाइडनिंग एब्सेंस ऑफ दैट की इंग्रेडिएंट, किसके चलते, किसके अनुपस्थिति के चलते हो रहा है ये। वाइडनिंग का मतलब है बहुत बड़े स्तर पर फैलता हुआ, एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति है, इंग्रेडिएंट का मतलब होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे वो मिलकर बना है। तो सबसे मुख्य जो इंग्रेडिएंट है, जो डिमांड है, उसके चलते, डिमांड की अनुपस्थिति के चलते इकोनॉमिक मोमेंटम जो है वो स्लो डाउन हो रहा है, इकोनॉमिक जो आर्थिक गति है वो धीमी पड़ रही है। डोमेस्टिक सेल्स ऑफ कार्स, जो घरेलू बिक्री है गाड़ियों की, कमर्शियल व्हीकल्स की एंड टू व्हीलर्स या फिर दोपहिया वाहन की, ऑल कॉन्ट्रैक्टेड इन अप्रैल, ये सभी के सभी अप्रैल में सिकुड़ गए। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कम हो जाना है। तो कहना चाह रहा है, देखिए डोमेस्टिक सेल्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो डोमेस्टिक सेल्स जो है कार की या कमर्शियल व्हीकल्स की या टू व्हीलर्स की, ये सब के सब अप्रैल के महीने में कम हो गई थे। ये सेल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, सिकुड़ गई थी। फ्रॉम अ ईयर अर्लियर द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैज़ रिपोर्टेड। तो कहना चाह रहा है फ्रॉम अ ईयर अर्लियर,
ये कॉन्ट्रैक्ट हुई एक साल पहले से अगर आंकड़े देखे जाए तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर जो SIAM है हैज़ रिपोर्टेड, इस बात की इन्होंने जानकारी दी है, ये इन्होंने रिपोर्ट किया है। द डिक्लाइन ऑफ ऑलमोस्ट 16% इन टोटल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेल्स इज एन इंडिकेशन दैट कंजम्पशन डिमांड अक्रॉस मार्केट्स अर्बन एंड रूरल इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल इज पिटरिंग आउट। पिटर का मतलब क्या है? पिटर का मतलब धीरे धीरे कम हो जाना है, किसी चीज़ का अंत होने से पहले धीमे धीमे कम हो जाने को पिटर बोलते हैं। डिक्रीज और फेड ग्रेजुअली बिफोर कमिंग टू एन एंड, ये कहलाता है पिटर। तो कहना चाह रहा है द डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब गिरावट है, घटना है कोई चीज़ का। द डिक्लाइन ऑफ ऑलमोस्ट 16%, तो लगभग 16% की जो गिरावट है इन टोटल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेल्स, जो कुल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बिक्री है उसमें जो गिरावट है वो एक संकेत है दैट कंजम्पशन डिमांड अक्रॉस मार्केट्स, कि अलग अलग मार्केट्स में पूरे मार्केट के अंदर जो कंजम्पशन डिमांड है, उपभोग की जो मांग है, चाहे वो अर्बन और रूरल हो, शहरी और ग्रामीण, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल, चाहे वो संस्थागत हो या निजी हो, इज पिटरिंग आउट, वो धीमे धीमे कम हो रही है। वाइल सेल्स ऑफ कमर्शियल व्हीकल, जबकि कमर्शियल व्हीकल्स की जो बिक्री है अ फेयर प्रॉक्सी फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रॉक्सी का मतलब सब्स्टिट्यूट होता है, सरोगेट होता है, प्रॉक्सी का मतलब रिप्रेजेंटेटिव होता है, किसी और की जगह ले लेने को बोलते हैं प्रॉक्सी। तो जो सेल्स हैं कमर्शियल व्हीकल्स की अ फेयर प्रॉक्सी फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो सभी प्रकार की आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटी होती हैं, उन सब के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव का काम करती हैं, उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट, एक विकल्प का काम करती हैं। स्लिड, स्लिड का मतलब यहाँ पे स्लाइड की सेकेंड फॉर्म है, स्लाइड SLIDE खिसकना होता है, उसकी सेकेंड फॉर्म है। तो ये भी इसमें गिरावट आई है 6% की पिछले महीने। 16.4% ड्रॉप इन डिमांड फॉर टू व्हीलर्स एक्सटेंडेड द सेगमेंट स्लंप इन टू द न्यू फिनेंशियल ईयर। तो 16.4% ड्रॉप, तो 16.4% की जो गिरावट है मांग के अंदर, डिमांड के अंदर फॉर टू व्हीलर्स, दोपहिया वाहन की, एक्सटेंडेड द सेगमेंट स्लंप, एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना होता है, तो इसकी जो गिरावट आई थी डिमांड में, इसने इस सेगमेंट में, इस भाग में, इस क्षेत्र में मंदी को बढ़ा दिया है इनटू द न्यू फाइनेंशियल ईयर, नए वित्तीय वर्ष में। मिररिंग, मिरर का मतलब दर्पण होता है, शीशा है, तो दिखा रहा है ये द रिपलिंग रूरल डिस्ट्रेस। रिपलिंग का मतलब लहलहाना को बोलते हैं, रिपलिंग का मतलब कुछ इस तरह का होता है, लहर जो होती हैं उसको बोलते हैं। तो कुछ जो रूरल डिस्ट्रेस है, जो ग्रामीण संकट है, ग्रामीण जो दुख है, उसको मतलब दर्शा रहा है ये। द डेटा ऑन पैसेंजर व्हीकल्स, अगर आप आंकड़ों की बात करें, जो यात्रियों के लिए व्हीकल्स होते हैं, बस इत्यादि की अगर बात करें, विथ सो द स्टीपेस्ट ड्रॉप, स्टीप का मतलब तेज, ढलान को बोलते हैं, स्टीप, इस प्रकार के ढाल जो होते हैं उसको स्टीप बोलते हैं। तो स्टीपेस्ट, सबसे अधिक ढलान, सबसे अधिक तेज कह सकते हो, जिसने सबसे अधिक तेज गिरावट देखी है इन ऑलमोस्ट 8 ईयर्स, लगभग 8 वर्षों की अगर बात करें, एड टू द ग्लूम, तो ये भी इस संकट को गहरा कर रहा है। ग्लूम का मतलब वैसे उदासी या दुख को बोलते हैं, तो ये भी इस संकट को गहरा कर रहा है, इस संकट में एक थोड़ी सी चीज़ ये भी जोड़ देता है। कार सेल्स श्रैंक, श्रैंक श्रिंक की सेकेंड फॉर्म है, श्रिंक का मतलब सिकुड़ना होता है, कम होना होता है, तो कार की बिक्री भी सिकुड़ी है, गिरावट उसमें आई है लगभग 20% की, अमिड ए प्रोट्रैक्टेड स्लंप। प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है लंबे समय तक चलना, अमिड अमंग के जैसे ही यूज होता है, और काफ़ी बार बताया है मैंने कि अमिड और अमंग में डिफरेंस ये होता है कि अमंग केवल और केवल काउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाता है, लेकिन अमिड जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन के साथ में यूज हो सकता है। तो कार की बिक्री जो है वो कम हुई है ऑलमोस्ट 20%, लगभग 20% तक कम हुई है, अमिड ए प्रोट्रैक्टेड स्लंप, और जो लंबित, जो काफ़ी लंबे समय से स्लंप मंदी चल रही है। प्रोट्रैक्टेड यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि स्लंप यहाँ पे नाउन है और उससे पहले एडजेक्टिव फॉर्म की हमें आवश्यकता है, तो एडजेक्टिव फॉर्म की यूज़ किया गया है। और जब किसी वर्ब को एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ करते हैं आप, तो वर्बल एडजेक्टिव बनता है, मीन्स पार्टिसिपल बनता है, तो आप थर्ड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, ING भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई काम कंटिन्यूअस है तो ING यूज़ करते हैं, अदरवाइज थर्ड फॉर्म। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये हो चुका है, इसलिए थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो कहा गया है कि कार की बिक्री जो लगभग 20% तक कम हुई है अमिड ए प्रोट्रैक्टेड स्लंप, जो बहुत लंबे समय से चल रही मंदी है उसके बीच, दैट शोज नो साइन ऑफ ए रिवर्सल, और ये दिखा रहा है कि कोई भी संकेत नहीं है रिवर्सल का, मतलब फिर से ठीक होने का। रिवर्सल का मतलब विपरीत क्रम में होना होता है, रिवर्स जैसे इस प्रकार से चल रहा है तो रिवर्स का मतलब इस तरह चलना है, लेकिन रिवर्सल का कोई साइन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। द लेटेस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट फिगर्स, जो नवीनतम, जो हाल ही में इंडस्ट्रियल आउटपुट फिगर्स है, इंडस्ट्री के जो डेटा हैं,
फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्व टू अंडरस्कोर द वाइड स्प्रेड नेचर ऑफ द डिमांड ड्रॉट। अंडरस्कोर का मतलब होता है इम्फेसाइज करना, जोर देना, किसी बात पर जोर देने को बोलते हैं अंडरस्कोर। द लेटेस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट फिगर्स, जो नवीनतम इंडस्ट्रियल आउटपुट फिगर्स हैं, जो औद्योगिक रूप से जो आंकड़े सामने आए हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा सर्व, ये सर्व इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे फिगर्स जो हैं वो प्लूरल है और प्लूरल वर्ब नाउन के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर हमें ध्यान हो तो उसके अकॉर्डिंग इस रूल का प्रयोग किया जाता है टू अंडरस्कोर द वाइड स्प्रेड नेचर ऑफ द डिमांड ड्रॉट। तो जो एक डिमांड का ड्रॉट पड़ा हुआ, ड्रॉट का मतलब सूखा होता है, तो डिमांड का जो सूखा पड़ा है, डिमांड जो नहीं है अभी मार्केट के अंदर, उसके नेचर को, उस वाइड स्प्रेड नेचर जो है उसका, व्यापक जो एक नेचर है उसको दर्शा रहा है। तो ये जो आंकड़े आए हैं औद्योगिक आंकड़े हैं, ये भी दर्शा रहे हैं कि भाई डिमांड का सूखा पड़ा हुआ है, डिमांड है नहीं, इसके पर एम्फसाइज कर रहा है ये, ठीक है, अंडरस्कोर कर रहा है। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर मार्च शोज आउटपुट फेल 0.1% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर टू अ 21-month low विद द यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन रिवीलिंग अ वीकनिंग दैट स्पेयर्ड नन ऑफ द सिक्स सेगमेंट्स। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर मार्च, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए जो इंडेक्स है मार्च के लिए, शोज आउटपुट, वो दिखाता है कि आउटपुट जो है वो 0.1% तक की उसमें गिरावट आई है फ्रॉम अ ईयर अर्लियर टू अ 21-month लो। अब ये 0.1% किससे तुलना करने पता लगा है, फ्रॉम अ ईयर अर्लियर टू अ 21-month लो, एक साल पहले से अगर बात करें तो ये 21 महीने का सर्वोत्तम सबसे निचला स्तर प्राप्त इसने किया है विद द यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन रिवीलिंग, विद द यूज बेस्ड प्रयोगों के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, रिवीलिंग ये दर्शा रहा है वीकेनिंग, एक कमजोरी, एक गिरावट, दैट स्पेयर नन ऑफ द सिक्स सेगमेंट, जिसने किसी भी इन 6 सेगमेंट्स में से किसी को भी नहीं छोड़ा है, स्पेयर का मतलब छोड़ना है। द कैपिटल गुड्स सेक्टर श्रैंक बाई 8.7% ऑन द बैक ऑफ एन 8.9% कॉन्ट्रैक्शन इन द प्रीसीडिंग मंथ। प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाला, इससे पहले वाला। तो द कैपिटल गुड्स सेक्टर, जो कैपिटल गुड्स सेक्टर है, जो कैपिटल गुड्स एक सेक्टर है, वो भी उसमें भी गिरावट आई है, उसमें भी श्रिंक हुआ है 8.7% तक ऑन द बैक ऑफ एन 8.9%। ऑन द बैक ऑफ का मतलब के आधार पर, जो 8.9% कॉन्ट्रैक्शन है इन द प्रीसीडिंग मंथ, पिछले महीने में, उसके अगर आधार पर अगर बात करें तो 8.7% तक ये श्रिंक हुआ है। द कैपिटल गुड्स सेक्टर श्रैंक बाई 8.7%, तो कैपिटल गुड्स सेक्टर है वो 8.7% तक उसमें, मतलब ये सिकुड़ा है, इसमें गिरावट आई है ऑन द बैक ऑफ एन 8.9% कॉन्ट्रैक्शन, 8.9% कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पर इन द प्रीसीडिंग मंथ, पिछले महीने में। आउटपुट ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फेल 5.1% फ्रॉम ए ईयर अर्लियर। द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का आउटपुट जो है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के जो आउटपुट है, फेल 5.1%, उसमें भी गिरावट आई है 5.1% तक की। क्या कहना चाह रहा है, आउटपुट ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मतलब है जो उपभोक्ता हैं, जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिन टिकाऊ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनका जो आउटपुट है वो भी 5.1% तक कम हुआ है एक साल के पहले का आंकड़ा अगर देखें उसकी तुलना में। एंड ग्रोथ इन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, और जो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स प्रोडक्शन है, वो तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात थी, अब यहाँ पे अगर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स बात करें, वो भी ग्रोथ है वो 0.23% तक जो है वो गिरावट उसमें आई है। पहले उसका जो पेस था, उसकी जो गति थी मार्च 2018 में, वो 14.1% तक थी और उसकी तुलना में 0.3% तक की इसमें गिरावट देखने को मिली है। मैन्युफैक्चरिंग विच हैज ए वेट ऑफ ऑलमोस्ट 78% इन द इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, जो निर्माण सेक्टर है, विच हैज ए वेट ऑफ ऑलमोस्ट 78% इंडेक्स, जिसका मतलब वेटेज है 78% तक का, कंटिन्यूज टू बी द बिगेस्ट ड्रैग। ये मतलब सबसे बड़ा कह सकते हो कि कंटिन्यूज टू बी द बिगेस्ट ड्रैग, ये सबसे बड़ी गिरावट है। ड्रैग का मतलब वैसे घसीटने को बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग जो निर्माण सेक्टर है, जहां मैन्युफैक्चर होता है सामान, विच हैज ए वेटेज ऑफ ऑलमोस्ट 78% इन इंडेक्स, अगर पूरी इंडेक्स देखें तो 78% वेटेज इसी का होता है, उसमें भी सबसे बड़ी गिरावट आई है विद आउटपुट कॉन्ट्रैक्टिंग बाय 0.4%। इसमें जो आउटपुट है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो सिकुड़ा है लगभग 0.4% तक, आफ्टर श्रिंकिंग बाई अ सिमिलर एक्सटेंट इन फेब्रवरी।
आफ्टर श्रिंकिंग 0.4% तक की गिरावट इसमें देखने को मिली है। सिकुड़ने के बाद, श्रिंक होने के बाद बाई ए सिमिलर एक्सटेंट, एक ही तरह से अगर बात करें, उसी हद तक बात करें, फरवरी की अगर बात करें तो उसमें देखने को मिला है। ओवरऑल कुल मिलाकर द सेक्टर्स ग्रोथ स्लोड टू 3.5%, जो सेक्टर की ग्रोथ है वो मंद हुई है, वो स्लो हुई है 3.5% तक इन द लास्ट फिस्कल, पिछले वित्त वर्ष में फ्रॉम 4.6% इन 17-18, जो 2017-18 की बात करें तो 4.6% तक था, अब ये 3.5% तक रह गया है। द कंपोजिट पिक्चर दैट इमर्जेज फ्रॉम ऑल दीज नंबर्स, कंपोजिट का मतलब मिश्रित है, भिन्न भिन्न चीज़ों से प्राप्त है, कंपाउंड को कह सकते हैं। तो कंपोजिट पिक्चर है, जो मिश्रित तस्वीर है, दैट इमर्जेज फ्रॉम ऑल दीज नंबर, जो कि इन सभी संख्याओं से देखने को मिलती है, जो इमर्ज होती है, बिलाइज द CSO's इम्प्लिसिट फोर्थ क्वार्टर GDP ग्रोथ अजम्पशन ऑफ 6.5%। तो जो कंपोजिट पिक्चर है, जो मिश्रित तस्वीर है, दैट इमर्जेज, वो तस्वीर जो कि उभर कर आ रही है सामने, इमर्ज का मतलब उभरना होता है, दैट से पहले पिक्चर है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का हमने प्रयोग किया है, जो रिलेटिव प्रोनाउन का एक रूल लगता है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला सब्जेक्ट है उसी को देखकर वर्ब लगाते हैं, तो पिक्चर को देखकर यहाँ इमर्जेज का प्रयोग है। तो जो कंपोजिट पिक्चर है, भिन्न भिन्न आंकड़ों से प्राप्त जो तस्वीरें हैं, जो इन सब संख्याओं से प्राप्त होती है, बिलाइज का मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करना है, झूठा साबित करना है, जो CSO का इम्प्लिसिट फोर्थ क्वार्टर GDP है, इम्प्लिसिट का मतलब होता है निहित अर्थ को बोलते हैं, तो चौथे तिमाही का फोर्थ क्वार्टर GDP ग्रोथ अजम्पशन जो था 6.5% तक का, जिन्होंने अनुमान लगा रखा था कि GDP ग्रोथ जो है 6.5% तक रह सकती है, इन सभी आंकड़ों को झूठा साबित करती है ये सब तस्वीरें, एंड पेंट्स इट एज ओवरली ऑप्टिमिस्टिक, और इसको इस प्रकार से दर्शाती है कि बहुत ज़्यादा मतलब ऑप्टिमिस्टिक है, ऐसा कुछ है नहीं, इतना मतलब इसमें देखने को ब्राइट फीचर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने ज़्यादा ज़रूरत ज़्यादा आशा दर्शाई है यहाँ पर। विद ग्लोबल हेडविंड्स स्ट्रेंथनिंग इन द बैकड्रॉप ऑफ एन एस्केलेटिंग ट्रेड वॉर बिटवीन द टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज द US एंड चाइना एंड राइजिंग टेंशन इन वेस्ट एशिया बिगिनिंग टू पुश अप एनर्जी कॉस्ट फ्रॉम द टॉप ऑयल एक्सपोर्टिंग रीजन इंडियन पॉलिसी मेकर्स हैव टू कंटेंड विद एन एक्सटर्नल सेक्टर दैट वुड लाइकली ओनली एड टू द डोमेस्टिक प्रेशर्स मोस्ट सर्टनली इन द नियर टर्म इफ नॉट इन द लॉन्गर। तो क्या कहना चाह रहा है, विद ग्लोबल हेडविंड्स स्ट्रेंथनिंग, अब हेडविंड्स का मतलब सर के ऊपर मतलब हवाओं का बहना है, बिल्कुल सामने से, यूँ कहें कि विपरीत दिशा में कह सकते हो, बिल्कुल सामने से हवाओं का आना, तो कुछ इस प्रकार से इसको पढ़ें, विद ग्लोबल हेडविंड्स स्ट्रेंथनिंग का मतलब मजबूत करना है, बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि ऑफ एन एस्केलेटिंग ट्रेड वॉर, एस्केलेटिंग का मतलब बढ़ता हुआ जो ट्रेड वॉर है, तो विश्व की दो सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं अमेरिका और चाइना, वहां पर जो ट्रेड वॉर बढ़ रहा है उसको देखते हुए जो वैश्विक रूप से हेडविंड्स हैं, ग्लोबल हेडविंड्स हैं, जो ग्लोबल वैश्विक माहौल है फिलहाल जो कि स्ट्रेंथन हो रहा है इसको देखते हुए, एंड राइजिंग टेंशंस इन वेस्ट एशिया, और पश्चिमी जो एशिया है, वेस्ट एशिया है, वहाँ पर बढ़ती हुई जो परेशानियाँ हैं, बिगिनिंग टू पुश अप एनर्जी कॉस्ट फ्रॉम द टॉप ऑयल एक्सपोर्टिंग रीजन, जो मतलब कह सकते हो कि जो एनर्जी कॉस्ट है, ऊर्जा की जो कॉस्ट हैं वो बढ़ रही हैं, टॉप फ्रॉम द टॉप ऑयल एक्सपोर्टिंग रीजन, कहाँ से बढ़ रही हैं, जो भी ऑयल एक्सपोर्ट नेशन है, ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले नेशन है, ऑयल एक्सपोर्टर हैं, वो बढ़ा रहे हैं कीमतें, इंडियन पॉलिसी मेकर जो भारत में नीति निर्माता है, हैव टू कंटेंड विद एन एक्सटर्नल सेक्टर दैट वुड लाइकली ओनली एड टू द डोमेस्टिक प्रेशर्स, तो इंडियन पॉलिसी मेकर्स जो हैव टू कंटेंड विद, जिनको कंपीट करना पड़ता है, कंटेंट विद का मतलब प्रतिस्पर्धा है, कंटेंट के साथ में प्रेपोजिशन विद का ही प्रयोग होता है, तो इंडियन पॉलिसी मेकर्स जिनको कंपीट करना पड़ेगा एक्सटर्नल सेक्टर के साथ में, दैट वुड लाइकली ओनली एड टू द डोमेस्टिक प्रेशर, वो केवल उसकी संभावना ये है कि घरेलू दबाव ही बढ़ाएगा, लाइकली का मतलब संभावना होता है, मोस्ट सर्टेनली इन द नियर टर्म, और यूँ भी कहें कि नज़दीकी अगर टर्म में देखें, नियर टर्म में देखें, इफ़ नॉट इन द लॉन्गर, चाहे आप लंबे समय की बात ना करें लेकिन नियर टर्म में तो घरेलू प्रेशर को बढ़ाएगा, द डिस्ट्रेस इन द फार्म सेक्टर, डिस्ट्रेस का मतलब संकट होता है, तो जो खेती के क्षेत्र में संकट है, में जस्ट ईज मार्जिनली, मार्जिनली का मतलब आंशिक रूप से हो सकता है, में जस्ट ईज मार्जिनली कि कुछ आंशिक स्तर पर थोड़ा सा ये सही हो जाए, इफ़ द मॉनसून डज टर्न आउट टू बी नियर नॉर्मल, यदि मॉनसून
सामान्य स्तर का रहता है एज अ फोरकास्ट लास्ट मंथ, जिस प्रकार का पूर्वानुमान लगाया था पिछले महीने, कुड हेल्प इस पर अ डिमांड, तो हो सकता है कि ये डिमांड को थोड़ा सा प्रेरित कर दे, बढ़ा दे, स्पर का मतलब प्रेरित करना है, डिमांड रिवाइवल को स्पर कर दे, रिवाइवल का मतलब पुनः सक्रिय हो जाना है, इन रूरल हिंटरलैंड, हिंटरलैंड का मतलब दूरस्थ क्षेत्र है, तो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर हो सकता है कि डिमांड फिर से बढ़ जाए। स्टिल द न्यू गवर्नमेंट दैट इमर्जेज आफ्टर 23, जो नई सरकार है जो 23 मई के बाद, 23 मई में रिजल्ट घोषित हो जाएगा चुनावों का, उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी, मस्ट स्पेयर लिटिल टाइम इन ड्रॉइंग अप एप्रोप्रिएट पॉलिसी मेजर्स। मस्ट स्पेयर लिटिल टाइम मतलब उनको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा ये ड्रॉइंग अप अप्रोप्रिएट पॉलिसी मेजर्स, जो उपयुक्त नीति निर्माण के लिए, दैट नॉट ओनली हेल्प री इनविगोरेट डिमांड, जो ना केवल डिमांड को बढ़ाएगा, डिमांड को फिर से सक्रिय करेगा, री इनविगोरेट का मतलब, इनविगोरेट का मतलब होता है ऊर्जावान बनाना, सक्रिय बनाना, री कर रखा है मतलब दोबारा से करना, बट ऑल्सो एंश्योर दैट सच ए रिवाइवल इज रोबस्ट, बल्कि ये भी एंश्योर करेगा कि इस प्रकार का रिवाइवल जो है वो रोबस्ट हो, रोबस्ट का मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, अक्रॉस द बोर्ड का मतलब है जो सभी प्रकार के क्षेत्र प्रभावित करने वाला हो, अफेक्टिंग एवरी वन और एवरीथिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम और सोसाइटी, किसी भी संगठन में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी सोसाइटी में, हर चीज़ को, हर एक व्यक्ति प्रभावित करने वाला हो, एंड एंड्योरिंग और टिकाऊ भी हो, ये सब चीज़ें भी देखने वहाँ पे होनी चाहिए। तो ये तो फर्स्ट एडिटोरियल था, अब सेकेंड की बात हम करें तो दूसरा एडिटोरियल में माइल्स टू गो, बहुत लंबा रास्ता तय करना है, काफ़ी लंबे समय, लंबी दूरी तय करनी है, ये कहना चाह रहा है, मीलों चलना है अभी, ये इसका शीर्षक है। साउथ अफ्रीका सिरिल रामाफोसा मस्ट यूज हिज इलेक्शन विक्ट्री टू रिफॉर्म द ANC। साउथ अफ्रीका के जो रामाफोसा हैं उनको अपनी इलेक्शन विक्ट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा टू रिफॉर्म द ANC में सुधार लाने के लिए। रिफॉर्म का मतलब सुधार है, सुधार लाने के लिए उनको ऐसा करना पड़ेगा। मस्ट एक ऐसा मॉडल है जो ऑब्लिगेशन दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है, बाध्यता दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। सिरिल रामाफोसा विक्टर इन साउथ अफ्रीकाज रिसेंट प्रेजिडेंशियल इलेक्शन, जो सिरिल रामाफोसा हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के हाल ही में जो प्रेजिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, उसके विजेता हैं, एंड हेड ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के हेड हैं, इज सेलिब्रेटिंग हिज विन एंड द पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर फ्रॉम हिज प्रीडिसेसर जैकब जुमा। प्रीडिसेसर का मतलब हो गया जो पहले इनसे राष्ट्रपति थे जैकब जुमा, वो पहले राष्ट्रपति, सक्सेसर अगर होता तो इनके बाद वाला होता, तो प्रीडिसेसर का एंटोनिम अगर पूछा जाता है आपसे तो सक्सेसर होता है, प्रीडिसेसर का मतलब पहले वाला होता है। तो सिरिल रामाफोसा विक्टर इन साउथ अफ्रीकाज रिसेंट प्रेजिडेंशियल इलेक्शन, जो कि जीते हैं अभी हाल ही में चुनाव, जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ है साउथ अफ्रीका में, एंड हेड ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मतलब ANC, इन्हीं को कहा गया है ये ANC, इसके जो हेड हैं, इज सेलिब्रेटिंग हिज विन, वो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड द पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर, और शांतिपूर्ण तरीके से जो ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ है, सत्ता हस्तांतरण हुआ है, सत्ता का परिवर्तन हुआ है, ट्रांजिशन का मतलब परिवर्तन होता है, फ्रॉम हिज प्रीडिसेसर जैकब जुमा, ये सत्ता का जो परिवर्तन हुआ है, इनके पहले जैकब जुमा थे उनसे अब सत्ता इनके हाथ में आ गई है, शांतिपूर्ण तरीके से जो कार्य हुआ है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट ही मस्ट इक्वली बी अवेयर, लेकिन उनको बराबर रूप से अवेयर भी रहना पड़ेगा दैट देयर इज़ ए डॉन्टिंग चैलेंज, कि एक उनके सामने डॉन्टिंग चैलेंज है। चैलेंज का विशेषता बताने डॉन्टिंग का प्रयोग है, डॉन्टिंग का मतलब इंटिमिडेटिंग कह सकते हो, डराने वाला कह सकते हो, या फिर कह सकते हो ऐसी कोई चीज़ जिससे निपटना मुश्किल हो, तो उनके सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिससे निपटना मुश्किल है। दैट अवेयर्स हिम इन द रियलम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, रियलम का मतलब होता है क्षेत्र, इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब होता है आर्थिक सुधार। बट ही मस्ट इक्वली बी अवेयर, लेकिन उनको बराबर रूप से सचेत रहना पड़ेगा दैट देयर इज़ ए डॉन्टिंग चैलेंज, कि उनके सामने एक डॉन्टिंग चैलेंज है, कि उनके सामने एक ऐसा चैलेंज है जिससे निपटना मुश्किल है। दैट अवेट्स हिम, अवेट का प्रयोग किया गया है, देखिए वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट होता है, अगर यहाँ पे वेट होता तो आपको फोर लगाना पड़ता, लेकिन चूंकि वेट के स्थान पर अवेट यूज़ किया है तो फोर इसी में ही शामिल है। तो दैट अवेट्स हिम, जो उनका इंतजार कर रहा है इन द रियलम ऑफ, रियलम का क्षेत्र, किस में इंतजार कर रहा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार के क्षेत्र में उनका इंतजार कर रहा है। आर्थिक सुधारों की बात इसलिए कि आर्थिक स्थिति वहाँ गड़बड़ाई हुई है, अब इनके सामने मुख्य चुनौती है कि आर्थिक सुधार लाया जाए। इंस्टीट्यूशनल री इनविगोरेशन, और जो संस्थागत
रीइन्विगोरेशन है, फिर से सक्रिय करने की बात है, उसको शामिल किया जाए एंड ब्रेकिंग फ्रॉम ए पास्ट ऑफ पॉलिटिकल करप्शन, और जो पिछला जो राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं उससे मतलब नाता तोड़ा जाए, दैट हैज होबल्ड द कंट्रीज प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब संभावना है, होबल्ड का मतलब होता है विकलांग बना देना या फिर यहाँ पर रुकावट डालने के लिए यूज़ किया गया है। हैज का प्रयोग इसलिए है क्योंकि दैट से पहले करप्शन है, करप्शन सिंगुलर है इसलिए हैज का प्रयोग है। तो जिससे करप्शन ने कंट्री का जो संभावना थी, बहुत अधिक ग्रोथ की संभावना जो थी कंट्री में, देश में जो अत्यधिक वृद्धि की संभावना थी, उसको बाधित किया हुआ था। टू बिगिन विद, शुरुआत करें, द ANC वन जस्ट अंडर 58% ऑफ द वोट। ANC को केवल 58% ही वोट मिले, वाइल द मैन ऑपोजिशन डेमोक्रेटिक अलायंस, जबकि जो मुख्य ऑपोजिशन है, मुख्य जो विरोधी खेमा है डेमोक्रेटिक अलायंस, उसको लगभग 21% वोट मिले। द इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स 11%, इस पार्टी को 11% एंड द 45 स्मॉलर पार्टीज, और 45 जो छोटी छोटी पार्टीज हैं, उन्होंने कुल मिलाकर साथ साथ में 11% वोट प्राप्त किए। दैट इज अ कंसिडरेबल प्रोपोर्शन, ये एक कंसिडर प्रोपोर्शन है ऑफ ओवरऑल वोट्स फॉर द ANC। ये एक कंसिडर प्रोपोर्शन का मतलब कहें कि एक ऐसा अनुपात है जो कंसिडरेबल है, जो समझ में आने योग्य है, ऑफ ओवरऑल वोट्स फॉर द ANC के ओवरऑल वोट्स की अगर बात करें, बट नेवर द लेस, लेकिन फिर भी, नेवर द लेस का मतलब होता है फिर भी, मार्क्स अ डिसकंसर्टिंग सेक्युलर डिक्लाइन इन इट्स टैली। डिसकंसर्टिंग का मतलब नोट कर लीजिएगा, कोजिंग वन टू फील अनसेटल्ड, किसी व्यक्ति को अनसेटल्ड करने का मतलब कोज करना, किसी व्यक्ति को ये फील करवाना कि अभी अनसेटल्ड है, माहौल सेटल नहीं हुआ है, उसको डिसकंसर्टिंग बोलते हैं। बट नेवर द लेस, लेकिन फिर भी, लेस मार्क्स अ डिसकंसर्टिंग सेक्युलर डिक्लाइन इन टैली, लेकिन जो भी इन्होंने वोट प्राप्त किया है अपने टैली में, जो सेक्युलर डिक्लाइन देखने को मिला है, अनसेटल कर देने वाला डिक्लाइन है, गिरावट जो आई है उसको दिखा रहा है, विच वॉज एज हाई एज 69% 2004, जो कि कहें कि नेशनल इलेक्शंस में 2004 की अगर बात करें तो इनका वोट शेयर जो था 69% था, अभी बहुत कम रह गया, 58% ही रह गया है, बट स्लिड स्टेडिली, लेकिन ये लगातार स्टेडिली मतलब धीरे धीरे करके ये गिरता रहा डाउनवर्ड नीचे की तरफ टू ऑलमोस्ट 66% इन 2009। तो 2004 में 69% तक रहा, 2009 में जो चुनाव हुए उसमें 66% रह गया, फिर 2014 चुनाव में 62% रह गया, और अब की बार केवल 58% रहा। तो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। द ड्विंडलिंग पॉपुलैरिटी, ड्विंडलिंग का मतलब गिरती हुई, पॉपुलैरिटी का मतलब ख्याति प्रसिद्धि, जो लगातार गिरती पॉपुलैरिटी है ऑफ द पार्टी, इस पार्टी की, दैट स्वेप्ट ग्लोरियसली टू पावर इन 1994, जो कि ऑफ द पार्टी दैट स्वेप्ट ग्लोरियसली, जो कि मतलब ग्लोरियस तरीके से पावर में आई थी इन 1994 में, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ अपार्टेड। अपार्टेड का मतलब रंग भेद नीति को बोलते हैं, जो साउथ अफ्रीका में चलता है रंग भेद नीति, उसको अपार्टेड यूज, उसके लिए अपार्टेड वर्ड का यूज़ किया गया है। तो द ड्विंडलिंग पॉपुलैरिटी, जो गिरती हुई पॉपुलैरिटी है इस पार्टी की, दैट स्वेप्ट ग्लोरियसली टू पावर 1994, जो कि सत्ता में आई थी बहुत अच्छे तरीके से 1994 में, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ अपार्टेड, रंग भेद नीति के डिफीट के बाद में, उसके बाद इनको मतलब बहुत अच्छी ख्याति मिली थी। हैज़ बीन कॉटरमिनस, कॉटरमिनस का मतलब है हैविंग द सेम बाउंड्रीज और एक्सटेंट इन स्पेस टाइम और मीनिंग, मतलब सेम प्रकार की सीमाएं या सेम प्रकार का स्तर रखने को बोलते हैं कॉटरमिनस। तो हैज बीन कॉटरमिनस विद द राइज ऑफ ए करप्ट पॉलिटिकल इलाइट दैट इंडल्स इन वॉट इज नाउ वाइडली रिकोगनाइज एज स्टेट कैप्चर, रेंट सीकिंग बिल्ट ऑन द मार्केटाइजेशन ऑफ द साउथ अफ्रीकन स्टेट। पॉलिटिकल इलाइट का मतलब, इलाइट का मतलब श्रेष्ठ को बोलते हैं, तो पॉलिटिकल इलाइट राजनीतिक पार्टी जो है श्रेष्ठ कैटेगरी की, उसको कह सकते हैं। तो ये कहना चाह रहा है द ड्विंडलिंग पॉपुलैरिटी ऑफ द पार्टी, जो गिरती हुई ख्याति है पार्टी की, जो पार्टी 1994 में सत्ता में बहुत अच्छे तरीके से आई थी, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ अपार्टेड, और ये सत्ता में इसलिए आई थी क्योंकि उसमें रंग भेद नीति को डिफीट किया गया था, हैज़ बीन कोटरमिनस। अब ये बात की गई है ड्विंडलिंग पॉपुलैरिटी की, तो ये जो पॉपुलैरिटी है, जो गिरती हुई गिरावट है, जो मतलब पॉपुलैरिटी में गिरावट है, हैज़ बीन कोटरमिनस, वो मतलब एक प्रकार के स्तर की है, एक ही प्रकार के मतलब कहीं के लेवल की है, विद द राइज ऑफ ए करप्ट पॉलिटिकल इलाइट, जैसे जैसे उदय हुआ, जैसे जैसे राइज हुआ एक भ्रष्ट राजनीतिक पार्टी का, वो पार्टी जो कि इंडल्स रही, जो लिप्त रही, इंडल्स के साथ में इनका प्रयोग करते हैं, वॉट इज़ नाउ वाइडली रिकोगनाइज एज स्टेट कैप, जिसे अब स्टेट कैप्चर के रूप में जाना जाता है, रेंट सीकिंग बिल्ट ऑन द मार्केटाइजेशन
ऑफ द साउथ अफ्रीकन स्टेट। साउथ अफ्रीकन स्टेट में जो मार्केटाइजेशन के आधार पर जो रेंट सीकिंग हुई, मतलब किराया लेने को रेंट सीकिंग बोलते हैं, तो ये मार्केट साउथ अफ्रीकन स्टेट का जो बाजारीकरण हुआ उसके आधार पर जो रेंट सीकिंग है, स्टेट कैप्चर है, उसकी बात की गई है। गिवन दैट, ये देखते हुए, गिवन का प्रयोग काफ़ी बार देखने को मिलता है, गिवन दैट का मतलब है इस चीज़ को देखते हुए। तो गिवन दैट मिस्टर जुमा हु स्टेप्ड डाउन, स्टेप्ड डाउन का मतलब होता है इस्तीफा देना। तो ये देखते हुए कि मिस्टर जुमा, जिन्होंने 2008 में इस्तीफा दिया था इन द वेक ऑफ करप्शन स्कैंडल्स, करप्शन स्कैंडल्स में मतलब भ्रष्टाचार, करप्शन स्कैंडल्स का मतलब है भ्रष्टाचार के जो घोटाले हुए थे, स्कैंडल्स हुए थे, उसमें जो स्टेप डाउन उन्होंने किया था, अलाउड दिस कल्चर ऑफ वेनलिटी टू फ्लॉरिश, इन्होंने इस भ्रष्टाचार को पनपने दिया। जैकब जुमा, जिन्होंने 2018 में इस्तीफा दिया, जैसे ही करप्शन के आरोप उन पर लगे, घोटाले सामने आने लगे, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस प्रकार के जो कल्चर है वेनलिटी की, वेनलिटी का मतलब भ्रष्ट को बोलते हैं, तो भ्रष्ट आचरण जो हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है उनके सत्ता में, उनके समय में, उनको इन्होंने पनपने दिया। फ्लोरिश का मतलब पनपना है। मिस्टर रामाफोसा विल हैव टू अप्लाई ए स्कैल्पेल, मिस्टर रामाफोसा जो है उनको एक स्कैल्पेल टू द ANC itself उनको अप्लाई करना पड़ेगा। स्कैल्पेल एक छोटी सी चाकू, एक छुरी होती है जिससे काटते हैं, मतलब तो उसके लिए यूँ कह सकते हो, इसका मतलब ये है विल हैव टू अप्लाई ए स्कैल्पेल टू द ANC itself, उन्हें भ्रष्टाचार को हटाने के लिए स्कैल्पेल का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब बहुत कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी। ट्रिम द कैबिनेट, उन्हें अपने कैबिनेट छोटा करना पड़ेगा। एंड आउस्ट दोज एसोसिएटेड विद इलिसिट डीलिंग्स, आउस्ट का मतलब बाहर निकालना है, और उन लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा जो कि गैर कानूनी या फिर कहें कि अवैध चीज़ों में लिप्त पाए जाएं या भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाए जाएं, उनको यहाँ से हटाना पड़ेगा। एसोसिएट में विद लगता है जुड़े हुए हों। द प्रेजिडेंट विल ऑल्सो हैव टू बी डेफ्ट, डेफ्ट का मतलब कुशल होता है, दक्ष होता है, एक DAFT होता है, इसका मतलब मूर्ख होता है। DEFT का मतलब कुशल या दक्ष है, DEFT का मतलब कुशल या दक्ष, DAFT का मतलब मूर्ख है। द प्रेजिडेंट विल ऑल्सो हैव टू बी डेफ्ट इन टर्म्स ऑफ स्टीयरिंग द इकोनॉमी थ्रू चौपी वाटर्स। तो कहना चाह रहा है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को बहुत कुशल होना पड़ेगा, बहुत दक्ष होना पड़ेगा, जहां इकोनॉमी को स्टीयर करने की आवश्यकता है चौपी वाटर्स के बीच, मतलब अभी जो इकोनॉमी जो है उसकी हालात ख़राब हैं, दलदल में फंस गई है इकोनॉमी साउथ अफ्रीका की, उस स्थिति से बाहर निकालना पड़ेगा इकोनॉमी को, एक नई दिशा देनी पड़ेगी। स्टीयर का मतलब दिशा देना है। द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नाउ एट 27%, अभी जो बेरोजगारी की दर है वो 27% तक है। दिस रेजेस द ऑलरेडी हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस ऑन टोटरिंग पब्लिक फाइनेंसेस, ये बढ़ा देता है, रेज का मतलब बढ़ाना है, राइज का मतलब अपने आप बढ़ना होता है, रेज का मतलब बढ़ाना होता है। दिस रेजेस द ऑलरेडी हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, जो पहले से ही बड़ा स्तर है स्ट्रेस का, दबाव का, ऑन टोटरिंग पब्लिक फिनेंसेज, टोटरिंग का मतलब है अस्थिर को बोलते हैं टोटरिंग, तो पब्लिक फिनेंस, अस्थिर जो पब्लिक फिनेंसेज है उस पर दबाव को बढ़ाएगा। एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स दबाव को बढ़ाएगा, विच मस्ट कैटर टू एटलीस्ट 17 मिलियन पीपल, ये वेलफेयर प्रोग्राम जो हैं वो लगभग देखभाल करते हैं 17 मिलियन लोगों की, जो वेलफेयर फंड्स हैं, जो पब्लिक फिनेंसेज हैं, कैटर का मतलब देखभाल करना होता है, कैटर के साथ टू लगता है, ये कम से कम 17 मिलियन लोगों की केयर करता है, कैटर करता है। पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड हेयर वुड बी फॉर मिस्टर रामाफोसा, एक जो सकारात्मक स्टेप होगा आगे बढ़ाना जो मिस्टर रामाफोसा के लिए, वो ये होगा टू डिलीवर ऑन हिज प्रॉमिस, कि वो अपने वादों पर खड़े उतरें। डिलीवर ऑन हिज प्रॉमिस का मतलब है कि अपने वादों पर खड़े उतरें। टू टैकल द पब्लिक पेट्रोनेज सिस्टम, जो पब्लिक पेट्रोनेज सिस्टम है लोगों के, पब्लिक पेट्रोनेज सिस्टम का मतलब है संरक्षण जो है लोगों का, उसका जो सिस्टम है उसको टैकल करें। एट द हार्ट ऑफ विच, जिसके सेंटर में, जिसके हार्ट में आर द इनएफिशिएंसी रिडन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, वो हैं आर द इनएफिशिएंसी रिडन, जो असक्षम, इनएफिशिएंसी असक्षम को बोलते हैं, रिडन का मतलब कह सकते हो उस पर सवार कह सकते हो या फिर उससे आहत कह सकते हो, स्टैंड ओन्ड एंटरप्राइजेज, जो राज्य सरकारों द्वारा, राज्य के द्वारा चलाए गए एंटरप्राइजेज हैं, उद्योग हैं, इनएफिशिएंसी रिडन हैं, वो सब असक्षम हैं सारे के सारे एंटरप्राइजेज, उनके, उनको देखते हुए। इन हिज विक्ट्री स्पीच, अपने जीत के भाषण में, ही वोट टू एंड करप्शन, उन्होंने कसम खाई कि वो करप्शन को एंड करेंगे। वेदर सम पीपल लाइक इट और नॉट, चाहे कुछ लोगों को पसंद हो या ये चीज़ें नहीं हो, इनडीड नो टास्क इज मोर अर्जेंट देन दिस, और वास्तव में इसके अलावा कोई टास्क जो है इसकी तुलना में अधिक आवश्यक है भी नहीं। फॉर इट इज ओनली बाई स्टेमिंग द लीक्स इन पब्लिक फिनेंसेज, क्योंकि इट इज़ ओनली बाई स्टेमिंग द लीक्स इन पब्लिक फिनेंसेज दैट द गवर्नमेंट कैन होप टू पंप फंड्स बैक इनटू द पब्लिक सर्विस फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड द सोशल सिक्योरिटी।
इंडीड नो टास्क इज मोर अर्जेंट देन दिस, वास्तव में कोई भी टास्क इसकी तुलना में अर्जेंट नहीं है, क्योंकि इट इज़ ओनली बाय स्टेमिंग द लीक्स इन पब्लिक फाइनेंसेस. स्टेम का मतलब क्या है? स्टेम का मतलब निकलना होता है, ठीक है. तो फोर क्योंकि, फोर बीच में आया, इसका मतलब क्योंकि है. इट इज़ ओनली, यही एकमात्र जो है, बाय स्टेमिंग द लीक्स इन पब्लिक फाइनेंसेस दैट द गवर्नमेंट कैन होप टू पंप फंड्स. वो पब्लिक फाइनेंस जो गवर्नमेंट आशा करती है कि इसको फिर से फंड को पंप करने की आशा करती है कि पब्लिक सर्विसेज के लिए लगाएगी, एडुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए लगाएगी, उन सब के बीच में जो लीकेज है वो यही है भ्रष्टाचार. उसकी वजह से वो फंड यूज़ नहीं कर पाती है गवर्नमेंट. दिस इन टर्न कुड डायरेक्टली इम्प्रूव द वेलफेयर. बदले में क्या होगा कि ये वेलफेयर ऑफ द पुअरेस्ट साउथ अफ्रीकन, जो सबसे गरीब जो साउथ अफ्रीकन्स हैं, उनके जो वेलफेयर को इम्प्रूव करेगा. मोस्टली यूथ, अधिकांशतः अगर बात करें, यूथ की बात करें, हु हैव रिलेटिवली फ्यू मार्केटेबल वोकेशनल स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. वो यूथ जिनका मतलब कंपैरेटिवली, रिलेटिवली का मतलब है कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से, संबंधित रूप से, हु आर रिलेटिवली फ्यू मार्केटेबल वोकेशनल स्किल्स, क्योंकि उनके पास कोई भी मार्केटेबल वोकेशनल स्किल्स नहीं है, व्यावसायिक कुशलताएं नहीं हैं. वोकेशनल का मतलब व्यावसायिक होता है. एन अपॉर्चुनिटीज, ना ही उनके पास अवसर हैं. एन आर लेफ्ट टू फेंड फॉर देम सेल्स, और उनको मतलब खुद की रक्षा खुद करनी है. फेंड का मतलब डिफेंड करना है, रक्षा करनी है, इन द प्राइवेट सेक्टर, निजी सेक्टर में. वाइल मिस्टर रामाफोसा, वहीं मिस्टर रामाफोसा जो हैं, हैज़ मेड अ डिसेंट स्टार्ट, उन्होंने एक अच्छी स्टार्ट की है बाई चेंजिंग द लीडरशिप ऑफ द टैक्स अथॉरिटी. जो लीडरशिप है टैक्स अथॉरिटी की, उसको बदलते हुए, एंड द नेशनल प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस, इसको बदलते हुए. द डेंजर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन लाइज इन द रियलम ऑफ पॉलिटिक्स. जो डेंजर है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन के लिए, लाइज इन द रियलम ऑफ पॉलिटिक्स, वो राजनीति के क्षेत्र में ही निहित है. टू डिलीवर ऑन द प्रोमिस, वादे को पूरा करना, ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड गुड गवर्नेंस, सुशासन का वादा, इकोनॉमिक ग्रोथ का वादा. मिस्टर रामाफोसा मस्ट स्टैंड रेडी, तो मिस्टर रामाफोसा तैयार रहना पड़ेगा, टू पावर थ्रू एनी रेसिस्टेंस, कि उनको निकलना है, उनको आगे बढ़ना है, चाहे कोई भी दबाव हो, कोई भी रुकावट हो, उसमें से गुजरना है. टू रिफॉर्म बाई द ANC ओल्ड गार्ड, टू रिफॉर्म बाई द ANC ओल्ड गार्ड, सुधार करने के लिए by the ANC old guard, some of them Mr. Zuma's avowed allies. तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, avowed का मतलब आप नोट कर लीजिए. avowed का मतलब होता है ओपनली, यो कह सकते हो कि सबको पता है ये बात, है ना, ओपनली रिगार्डेड कह सकते हो, सबको ये बात पता है कि वो उनके गठबंधन है, उनके मित्र हैं, उनके सहयोगी हैं. तो कहना चाह रहे हैं मिस्टर रामाफोसा मस्ट स्टैंड रेडी, तो रामाफोसा को तैयार रहना पड़ेगा, टू पावर थ्रू एनी रेसिस्टेंस टू रिफॉर्म बाई द ANC ओल्ड गार्ड, कि उनको सुधार अगर करना है तो किसी भी रुकावट में से, कोई भी रुकावट उनके सामने, कोई रेसिस्टेंस है, उसमें से गुजरना पड़ेगा, पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा. सम ऑफ देम मिस्टर जुमाज अवाउड एलाइज, जो पिछले जो ओल्ड गार्ड हैं, ओल्ड गार्ड का मतलब ANC जो एक पार्टी है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, उनकी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो उसमें चाहे उनमें से कुछ जो मिस्टर जुमा के अलाइज ही हो, मिस्टर जुमा के वो कह सकते हो कि सबको विदित है कि वो उनके मित्र थे, मिस्टर जैकब जुमा के मित्र थे, चाहे उनके ही क्यों ना हो, लेकिन उनको सुधार करना पड़ेगा किसी भी रुकावट को ना देखते हुए. तो ये थे आज के दो एडिटोरियल सेशन. उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे. शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. सी यू टुमारो विद न्यू एडिटोरियल सेशन. टिल देन गुड बाय.